के अलावा जिनकी किराना की दुकानें हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो किराना की दुकानदार है, व्यापारी है या नहीं है? सबके पास वो लाइसेंस होता है, किराना की दुकान का भी लाइसेंस होता है क्या? सबके पास लाइसेंस होता है, नगर पालिका स्टाफ यहाँ पे है, वो चेक करके एंट्री होगी यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि चिड़ाव में सभी दुकान वालों के पास लाइसेंस है? चिड़ाव में वैक्सीन को लेकर जनता कितनी सतर्क है, कितनी जागरूक है, देखिए क्या कोरोना को हम इस प्रकार से हरा पाएंगे? आप ही डिसाइड करिए कि जनता गलत है या प्रशासन गलत है। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार स्लॉट बुकिंग पर ही लगेंगे 18 से 44 वर्ष वालों को टीके। चिड़ावा शहर में बिगड़ी टीकाकरण प्रक्रिया को सुधारने की दिशा में आखिर उठाया गया कदम। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुकिंग करने वालों के ही वैक्सीन लगेगी। शहर में सोमवार को 18 से 44 आयु वालों टीकाकरण का आयोजन डालमिया खेल ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें राशन डीलर, फल फ्रूट विक्रेता, सब्जी विक्रेता, मेडिकल स्टोर वाले, किराना दुकान वाले व अन्य छोटी दुकान वालों को शामिल किया गया है। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिसने ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं किया है तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और स्लॉट बुक करें। पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग संभवतः रात्रि 8:30 से 9 बजे तक। तकनीकी कारणों से समय में परिवर्तन संभव है, इसीलिए लगातार आप चेक करते रहें के माध्यम से शुरू होगी, जिसमें स्लॉट बुक करना होगा। इस दौरान आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल साथ में लेकर आना होगा। वैक्सीन लगवाने का समय सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगा। BCMO संत कुमार जांगीर ने बताया कि 45 या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के टीका नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने चेताया है कि इसके अलावा जो भी व्यक्ति बिना स्लॉट बुकिंग के डालमिया खेल ग्राउंड में घूमता हुआ पाया गया तो COVID-19 की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे श्रीधर यूनिवर्सिटी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। कल डालमिया खेल ग्राउंड में वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी अभी कंफर्म नहीं है। दोस्तों, आगे पूरा वीडियो देखिए और डिसाइड करिए कि गलती किसकी है, प्रशासन की गलती है या जनता की गलती है, डिसाइड आपको करना है। हमारे पास थोड़ी है ये ओपन करना भी नहीं करना। तो मेरी मैनेजमेंट से बात करा रहे हैं। हाँ जाओ आप कर लो। बुला दो ना, अंदर चली जाऊंगी मैं तो। ना अंदर जा करो ना आप। अधिकार नहीं है जाने से। जाओ कर लो, कोई आप नहीं मैनेजमेंट कौन से करो। गवर्नमेंट से बात करो, आप गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हो क्या? हाँ दुकानदार से कर सकते हैं, उसका कोई प्रमाण आप गवर्नमेंट की नहीं है। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो क्या? अच्छे से जूम करो और ये भी रिकॉर्ड करना, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। इनके अलग चलती है पुलिस लोगों की थोड़ी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये लोग ने 1.5 घंटे पहले तो बुला के खड़ा कर दिया, फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट से जाके बात करो। तो पुलिस गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या? आपको कैसे पता चला कि आज वैक्सीन लगेगी यहाँ पर? मुझे मेरे नॉर्मल लोगों से, जो मेरे पापा है ही इज अ बिजनेसमैन, उनको वहाँ से पता चला है। एंड आई एम बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ अ बिजनेसमैन। अभी यहाँ से प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, पहले कह रहे हैं एक लाइन बनाओ, फिर कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, और फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट से बात करो। सुबह से कितने बजे खड़े हुए आप? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, अलग ही गवर्नमेंट चल रही है। क्या हुआ? 2 घंटे के बाद ये जवाब मिलेगा कि जाओ घर वापस। व्यापारी लोगों के लिए है, तो व्यापारी कर रहे हैं क्या? कोई व्यापारी नहीं है यहाँ पर, आपको पता है। तो इतनी बड़ी लाइन लगी है, कितना लगता है आपको, कितने व्यापारी होंगे यहाँ पे? मेरे को 10 भी निकाल के दिखा दे, इसमें व्यापारी लोग है तो सब गृहस्थी वाला ही है। ऐसे तो बोलते रहते हैं लेडीज फर्स्ट आओ। रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, स्लॉट बुक हुआ नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, हमने तो पिछले 1 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक बार भी नहीं हुआ हमारा स्लॉट बुक। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आज कैसे पता लगा आपको कि वैक्सीन लगेगी? आज हमने तो पेपर में देख के पता चला कि वैक्सीन लग रही है। पेपर में आया आज? हाँ। ऐसे कैसे वैक्सीन नहीं लग रही है? हमारे सारे परिवार में किसी को, रिश्तेदार में किसी को नहीं लगा है। आप लोग व्यापारी है क्या? कहाँ पे काम करते हो? खुद की दुकान पे। आप व्यापारी हो क्या? क्या बैंक में हो? तो बैंक के लिए तो पहले लगा था ना कैंप एक बार? एक बात बताओ, जो आदमी सब्जी नीचे लगा के बैठे उसके पास क्या रजिस्ट्रेशन है, उसके पास क्या प्रमाण पत्र है, क्या चीज है, और क्या दुकान वाले का प्रमाण पत्र है, ये बता दो आप। बोल रहे की प्रशासन ये बोल रहे की आपका प्रमाण पत्र है, अपन का घर से आओ। लेडीज का लगा की घर से व्यापार कर रखे हुआ, तो क्या प्रमाण पत्र दोगे बताओ? मैंने जी
और जो व्यापारी लोग अपन अलग से कोई चीज़ बताओ कि मालिक और आम और खास के लिए अलग अलग लाइन है क्या बताओ। आम आदमी लाइन में लग रहे हो, खास आदमी सीधा अंदर जा रहे हो। आम आदमी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं इसका। कोई 8 बजे से खड़ा अभी आ रहा है, कोई आ रहे हो सीधा जा रहे हो अंदर, आ रहे हो सीधा जा रहे हो अंदर, आ रहे अभी चालू थोड़ा हो गया, चालू हो गया, चालू नहीं हुए लेकिन अंदर जाके बैठ रहे हैं वो लोग। क्या मतलब है आप भी उनसे बोलो, क्या मतलब अंदर जाने का, आपने गवर्नमेंट कर्मचारी अंदर जाओ उनका मतलब है, प्राइवेट आदमी का क्या काम है आपका, कोई व्यापार है क्या? हमारा कोई व्यापार नहीं, हम काम करते हैं, व्यापार काम करते हैं जी। आप भी दुकान पे काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। आप लोगों को व्यवस्था बनाएंगे तो लगेगा जिनके पास टोकन है उन्हीं का टीका लगाया जाएगा। जो वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया है वो किनको वैक्सीन लगेगी और किनको नहीं लगेगी? आज वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल का रखा गया है, जिसके अंदर राशन डीलर हैं, सब्जी विक्रेता हैं, फ्रूट विक्रेता हैं, मार्केट वाले हैं, रेडी वाले हैं, इन्हीं के वैक्सीन आज लगाई जाएगी। सर ये कैसे पता लगाएगा कि ये ठेले वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं या ये नगर पालिका स्टाफ यहाँ पे लगाया हुआ है, वो LOR देते हैं, वो चेक करके ही उनको एंट्री दी जाएगी जी। इसके अलावा जिनकी किराना की दुकानें हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो किराना के दुकानदार है, व्यापारी है या नहीं है? सबके पास वो लाइसेंस होता है, किराना की दुकान का भी लाइसेंस होता है क्या? सबके पास लाइसेंस होता है, नगर पालिका स्टाफ यहाँ पे है, वो चेक करके एंट्री होगी यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि चिड़ाव में सभी दुकान वालों के पास लाइसेंस है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि सभी के पास लाइसेंस है नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाहर भीड़ लगी हुई है ऐसा लग रहा है कि 600 डोज तो कमी पड़े। सभी को मैसेज करवा दिया गया है कि वही लोग यहाँ पे रुके जिनको आज गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन होना है, उसके अलावा किन्हीं को नहीं दी जाएगी वैक्सीन जी।